जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 के अगले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। आज की हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। हम लोग इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ चुके हैं, तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2 अव्यूह का ये चैप्टर है, समझे? ये चैप्टर अव्यूह का है, इसमें हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है कि यदि ए बराबर इतना हो, ए का मान मैट्रिक्स में दे रखा है, यदि ए बराबर इतना हो तो हमें इतना फाइंड करके दिखाना है। ए का मान दिया वह भी मैट्रिक्स के रूप में, ए दिया है वह भी मैट्रिक्स के रूप में, हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस फाइव ए निकालना पड़ेगा और सिक्स आई निकालना पड़ेगा, और जो ऑपरेशन बोला प्लस माइनस करना बाद में हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इस इक्वेशन को हम लोग को सोल्व करके दिखाना है इसका मान कितना निकल करके आएगा। तो देखिए हम लोग करते चलते हैं। पहले ये देखिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है निकालने के लिए, क्वेश्चन में हम लोग को ए स्क्वायर की आवश्यकता होगा, क्वेश्चन में ए स्क्वायर की आवश्यकता पड़ेगा, तो हम लोग पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर बोलने के मतलब ए मल्टीप्लाई ए, देखो ए क्या है हमारा 201 213, 1 माइनस 1 और 0 है, और देखो ए दो बार ए हमको रखना, क्योंकि ए मल्टीप्लाई ए निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग कितना बार दो रखेंगे, ए रखेंगे दो बार। यही बात को हूबहू छाप दो, 201 213, 1 माइनस 1 0, तो यहाँ से इसका मान निकाल लो, देखो क्या आ रहा है, गुणा करो, रो बाई कॉलम गुणा करते, ये रो और ये कॉलम है, गुणा करो, दो ले गुणा करेंगे तो 4 प्लस, 0 ले दो ले गुणा करेंगे तो 0 प्लस, एक ले गुणा करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये सेकेंड रो को गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 हमारा 4 होगा, प्लस 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 गुणे 1 करेंगे तो हमारा क्या होगा, 3 होगा। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 होगा, प्लस माइनस 1 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 होगा, जो कि लिख देते हैं उस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे काम सही रहेगा हम लोगों का, समझे? और देखो यहाँ 3 गुणे प्लस में 1 करेंगे तो हम लोग का 3, ओ माई गॉड, 1 गुणे 2 2, माइनस 1 गुणे 2 माइनस 2, 0 गुणे 1 यहाँ 0 होगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा, अब ये सेकेंड रो से गुणा करते हैं, सेकेंड कॉलम से हम लोग गुणा करते हैं, देखो 2 गुणे 0 हम लोग का 0 होगा, प्लस 0 गुणे 1 करेंगे तो 0 होगा, प्लस 1 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 होगा, 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 होगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 होगा, 3 गुणे माइनस 1 करेंगे तो माइनस में 3 होगा, 1 गुणे 0 करेंगे तो 0 होगा, माइनस 1 गुणे 1 करेंगे तो माइनस 1 होगा, 0 गुणे माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को, 0 आएगा। जितना भी वैल्यू निकालना है हम सभी हम लोग निकाल लेंगे, समझे? अब देखो यहाँ क्या करते हैं, अब ये थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, देखो यही ना थर्ड कॉलम है, इसके साथ करते हैं, 2 गुणे 1 हम लोग का 2 होगा, प्लस 0 गुणे 3 0 होगा, प्लस 1 गुणे 0 क्या होगा, 0, 2 गुणे 1 2 होगा यहाँ पे, प्लस 1 गुणे 3 हमारा 3 होगा, प्लस 3 गुणे 0 क्या होगा, 0 आएगा, ठीक है। 1 गुणे 1 हम लोग का 1 होगा, प्लस माइनस 1 गुणे 3 करेंगे तो माइनस में 3 होगा, जो कि डायरेक्ट लिख लेते हैं, 0 गुणे 0 आया 0, समझे? यहाँ से ये निकला, अब इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, आप सभी को नीचे दिखाई दे रहा है बहुत बेहतरीन ढंग से, साफ साफ फुल HD में, देखिए 4 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5, 4 2 6 3 9 हो जाएगा यहाँ, 2 और 2 कट गया तो बच गया 0, माइनस 1 है यहाँ, माइनस 1 रखेंगे, देखो यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस होगा, 1 से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 2, ये माइनस 1 है तो माइनस 1 कर दिए, 2 में 0 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा 2 ही होगा,
तीन में दो को जोड़ेंगे तो पाँच होगा, और देखो एक से तीन को घटा देंगे तो क्या आएगा, माइनस टू होगा। तो ये हम लोग का अभी निकला है ए स्क्वायर का मान। और बीच बीच में और क्या चाहिए, माइनस पाँच ए चाहिए, तो कुछ नहीं मेरे भाई, पहले फाइव ए चाहिए तो फाइव ए भी निकाल लेते हैं। देखो जितना डाटा का जरूरत होता है वे सभी डाटा हम लोग निकाल लेंगे, और डाटा निकालने के बाद जो कुछ भी करना होगा हम लोग करेंगे। देखिए अब हम लोग को 5a निकालना है। 5a बोलने के मतलब देखो, जो मैट्रिक्स ए हम लोगों को दिया है उसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है। तो उसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखो ये जो मैट्रिक्स ए दिया है, इस मैट्रिक्स ए को उठा करके यहीं पर हूँ वहू रख लो, 201 और दिया 213 और दिया 1-1 और 0 दे रखा है, यानी हमको 5a चाहिए। यहाँ से हम लोग को क्या निकलेगा, 5a निकलेगा। देखो यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधे इसमें गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा, इसमें भी गुणा करेंगे तो 10 बनेगा, और इसमें गुणा करेंगे तो क्या बनेगा हम लोग के, 5 बनेगा। अगर 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, और 5 में -1 से भी गुणा करेंगे तो -5 हो जाएगा। यहाँ 5 से गुणा करेंगे तो 5 होगा, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, ये क्या बन के आएगा बेचारा, 0 आएगा बन करके। कहीं डाउट आप सभी को? तो देखिए हम लोग को क्वेश्चन में 5a चाहिए, तो हम लोग यहाँ 5a फाइंड कर लिए। अब हम लोग का 5a देखो यहाँ से फाइंड हो गया, इसके बाद में क्या चाहिए, 6i। तो कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ से 6i भी निकल जाएगा। देखो 6i है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्या है, आई एक इकाई आव्यूह है, इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह किसके कहते हैं, वैसा आव्यूह जिसका हर एक अवयव क्या हो, एक हो। हर एक एलिमेंट क्या बन के आता है इसमें, एक बन के आता है, वही ना होता है आइडेंटिटी। हर एक एलिमेंट देखो इकाई अवयव, हर एक एलिमेंट नहीं, जो मेन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, वर्ड पे हम लोग को आई लेना, आई कहाँ है, 6i है, दिख रहा है ना, इकाई अवयव होता है इकाई अवयव। देखो यहां से क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल 1-1 होता है, बाकी एलिमेंट क्या होता है, 0, यानी जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो और बाकी शेष एलिमेंट 0 बन जाए, वही इकाई अवयव हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। देखो यहाँ से हमारा मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, तो हम जो यहाँ आई उठाएंगे वह भी हमारा ऑर्डर क्या रहेगा, उसका 3x3 का ही ऑर्डर रहेगा। तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया कि नहीं आई। तो 6i निकालना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई बात नहीं, जहाँ पर ए दिख वन दिख रहा है, जहाँ पर आपको ये 1 दिख रहा है वहाँ 6 हो जाएगा, अब बाकी बनेगा 0, बाकी बनेगा 0, यहाँ भी 6 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, यहाँ भी 6 होगा, 1 दिख रहा है, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ 0 और यहाँ 0 होगा, यही हमारा क्या हो गया, 6i भी निकाल लिए। अब देखो हम लोग के इक्वेशन में जो बोला है पुट करने के लिए, उसी को अब हम लोग पुट कर देंगे। देखो जो जो डाटा निकालना था हम लोग डाटा उस डाटा को फाइंड कर लिए। देखो क्या हमसे बोला है फाइंड करने के लिए, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस में 6i दिया है। तो देखो जो इस इक्वेशन में दे रखा है वे सभी डाटा निकाल लिए। देखो यहाँ ए स्क्वायर निकाले, ए मल्टीप्लाई ए, यहाँ हम लोग ए स्क्वायर निकाले हैं, तो यहाँ से ए स्क्वायर का मान देखो क्या निकल के आया है, यही। तो ये डाटा को लिख लेते जो मैट्रिक्स के रूप में है, क्या है, 5 -1 और 2 है, यहाँ क्या है 9 है, -2 और 5 है, यहाँ क्या है 0, -1 और -2 दिया है, दिया है -5a चाहिए। देखो यहाँ से 5a खुद के आपको आँख से दिख रहा होगा, प्यारे प्यारे आँख से देखिए, यहाँ क्या होगा 10, 0 और 5 होगा, यहाँ भी 10, 5 और 15 आएगा।
आएगा 5 माइनस में 5 और 0 होगा। अब क्या है, प्लस में 6 आई, देखो प्लस में 6 आई, और 6 आई का मान क्या निकला है, यही वाला 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यही ना दिख रहा है आप सभी को। कोने में मैनेज करिए, बोर्ड थोड़ी सी छोटा है। देखो यहाँ क्या करेंगे अब हम लोग, देखो देखो घटाना है, माइनस पहले माइनस कर लेते तब इस बेचारे को देखा जाएगा। ये प्लस है यहाँ साइड, यहाँ प्लस लिखेंगे। देखो 5 से 10 घटाएंगे तो माइनस में 5 आएगा, और 9 से 10 घटाएंगे तो माइनस में 1 आएगा, 0 से देखो 0 माइनस 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -1 -0 -1 होगा, 2 माइनस 5, देखो माइनस में 2 है, -2 -5, तो माइनस माइनस प्लस आएगा -7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो, -7 लिखेंगे, 5 माइनस 15, देखो -1 + 0 यहाँ देख कर लेते हैं, देखो -2 -5 -7 है, यहाँ -1 -5, -1 -5, ये -+, 5 से 1 घटेगा 4 बचेगा, 2 -5 3, 5 -15 -10, -2 -0 -2 ही बचेगा, प्लस में क्या है वही 6 6 0 0 0 6 0 0 0 6 है, यही ना बचा हुआ है। अब देखो क्या करने वाले हैं, जो ऐड करना है उसको ऐड करके अब हम लोग आंसर को मिला लेंगे। देखो -5 + 6, तो 6 से 5 घट के बचेगा 1, -1 + 0 आएगा -1, ठीक है आंसर। 3 + 0 ये क्या होगा, 3 होगा, -1 + 0 -1 होगा, -7 + 6 माइनस हो जाएगा, -1 आएगा, -10 + 0 -10 आएगा, -5 + 0 -5 आएगा, 4 + 0 ये 4 होगा, -2 + 6, तो 6 में से 2 घट के आएगा हम लोग के कितना, 4 होगा। यही हम लोग को क्या निकला, डायरेक्टली आंसर निकल के आ गया, समझे। आया है इतना आंसर, आप लोग एनसीईआरटी बुक से जरूर इसे मिलान कर लें। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, आप लोग इसे कॉपी पर जरूर नोट करें, ताकि कभी बुढ़ौती में भविष्य में आपको रिवीजन करना हो पढ़ाना हो आप लोग यहीं से देख सके। उतारिए, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 को हम लोग पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, उसी तरह जिस तरह हम लोग 16 नंबर बनाए हैं ना, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है। ओहो हो, हम लोग 15 पिछले वीडियो में बनाए थे, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, मिस्टेक से 17 नंबर डाला गया, तो 17 दूसरा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 16 है 3.2 का, 3.2 क्लास 12th मैथ का क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो जैसे 15 बताएं तो उसी तरह ये 16 नंबर भी है, मैट्रिक्स ए दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि हमको ये प्रूफ करके दिखाइए क्या होगा, क्या दिया है, यही डाटा को प्रूफ करना है, बराबर में 0 मैट्रिक्स लाना है, यानी इतना कुछ को बनाते 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 लास्ट में कौन सी मैट्रिक्स लाना, हम लोग को 0 मैट्रिक्स लाना है। तो 0 मैट्रिक्स कैसे आएगा वह भी हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन सब सही है, मिला लीजिए -6a² है। देखो हमको चाहिए का ये क्यूब चाहिए, तो मेहनत करेंगे ए क्यूब के लिए, ए क्यूब निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा, बस केवल जो मेहनत करना हम लोग को ए क्यूब के लिए ही मेहनत करेंगे। उसके लिए जैसे कैसे हम निकालते थोड़ा ध्यान से देखिए। देखो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर ए मल्टीप्लाई ए होता है, क्या निकाल लेते हैं, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई ए होता है। देखो ए क्या है,
102021 203 है, क्वेश्चन मिलाते चलिएगा आप लोग, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। देखो 102021 203 यही ना है, इसको पहले हम लोग निकालते हैं। देखो कैसे, देखो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखने जा रहे हैं। देखो 1 × 1 हम लोग का क्या होगा 1, 0 × 0 2 × 2 क्या होगा 4, तो 0 + 4 कर देंगे। देखो मेहनत का फल मीठा होता है, गुणा करो 0 × 1 0 + 2 × 0 0 + 1 × 2 2 आएगा, 2 × 1 2 होगा + 0 × 0 0 होगा + 3 × 2 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ से ये हुआ तो अब इसको गुणा करते हैं सेकेंड कॉलम से, 1 × 0 0 + 0 × 2 0 + 2 × 0 0 2 × 0 0 नहीं 0 × 0 0 दूसर का में लिखते हैं, 2 × 2 4 + 1 × 0 0 अब तीसर का में लिखते हैं, 2 × 0 0 + 0 × 2 0 + 3 × 0 0 अब इसको करो गुणा, 1 × 2 2 + 0 × 1 0 + 2 × 3 6 0 × 2 0 2 × 1 2 + 1 × 3 3 होगा, 2 × 2 4 + 0 × 1 0 + 3 × 3 9 होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे जो निकल के आएगा आंसर दिख रहा है सभी को, नीचे यहाँ तक ले दिख रहा है, देखो 4 × 1 5 2 0 0 जोड़ेंगे तो 2 6 × 2 8 0 यह भी होगा, ये केवल और केवल 4 है तो 4 होगा, ये भी 0 होगा ठीक है, 6 × 2 8 5 × 3 8 3 × 2 5 9 × 4 13 देखो यहाँ से हम लोग को क्या निकला है, ए स्क्वायर निकालना है, निकल गया ए स्क्वायर का ये वैल्यू अभी निकालें, हमको चाहिए किसका, मिला लीजिए इतना आंसर जोड़ घटाओ करके, यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर निकालें। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम लोग ए क्यूब निकालेंगे। देखो ए क्यूब निकालने के लिए वही पुरानी कहानी करेंगे अप्लाई, देखो ए क्यूब को क्या लिखेंगे ए स्क्वायर गुणे ए, क्या हम लोग ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर गुणे ए कर सकते हैं, तो बोलो हाँ कर सकते हैं। तो देखो हम लोग को डाटा ए स्क्वायर मिला है, यहाँ पे बाउंडेड कर लेते हैं थोड़ा, इधर से दूसरा पॉइंट है, आप लोग कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ग्रीन मार्कर का यूज कर दिए आपके लिए। देखो ए स्क्वायर दिया है तो पहले ए स्क्वायर की डाटा कितना लिखा है 508 508 245 2 4 और 5 यहाँ 803 8 0 और 13 था 8 0 13 हम लोग लिख लिए। अब देखो डाटा हम लोग के ए चाहिए, ए है क्या 102021 203 यही ना है, गुणा करो तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 ले 1 से गुणा करेंगे तो 5 आएगा + 0 में 0 से गुणा करेंगे 0 होगा + 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, ये रो हो गया ये हो गया कॉलम, इसी के साथ हम लोग गुणा किए हैं। 2 × 1 क्या होगा भाई 2, 4 × 0 करेंगे तो 0 + 5 × 2 करेंगे तो 10 होगा, 8 × 1 हमारा 8 होगा + 0 × 0 0 होगा, 13 × 2 हम लोग का क्या होगा 26 ये निकला। अब देखते हैं सेकेंड कॉलम के साथ गुणा करते हैं, 5 × 0 0 + 0 × 2 0 + 0 × 2 करे हैं तो 0। अब इस बबुआ को हटा दो,
आठ गुणे जीरो किए हैं तो जीरो, पांच गुणे दो करेंगे तो जीरो, चार गुणे दो करेंगे तो आठ, पांच गुणे जीरो करेंगे तो जीरो, आठ गुणे जीरो करेंगे तो जीरो, जीरो गुणे दो करेंगे तो जीरो, तेरह गुणे जीरो करेंगे तो क्या होगा, जीरो होगा। ये देखो, पांच गुणे दो करेंगे तो दस, जीरो गुणे एक करेंगे तो जीरो, आठ गुणे तीन करेंगे तो चौबीस, दो गुणे चार करेंगे, दो करेंगे तो चार, चार गुणे एक करेंगे तो चार, पांच गुणे तीन करेंगे तो पंद्रह, ठीक है। आठ गुणे दो करेंगे तो सोलह, जीरो गुणे वन करेंगे तो क्या होगा, जीरो, और तेरह गुणे तीन करेंगे तो क्या होगा, उनतालीस होगा। अब यहाँ से समझते हैं, नीचे आप सभी को अच्छे से फ्रेश ढंग से दिख रहा होगा। देखिए, पाँच सोलह में पाँच को जोड़ेंगे तो इक्कीस, सोलह पाँच इक्कीस, ये बबुआ वाला सवाल आना चाहिए। दस में दो जोड़ेंगे तो बारह, छब्बीस में आठ जोड़ेंगे तो कितना होगा, चौंतीस, ये जीरो होगा, ये अभी क्या हो जाएगा, आठ हो जाएगा, ये हम लोग का जीरो होगा, ये आएगा हम लोग के चौंतीस, ये आएगा पंद्रह चार उन्नीस तेईस आएगा, ठीक है। अब ये देखो बबुआ क्या होगा, देखो पैंतालीस पचपन होगा, आया है, ठीक है। देखो ये निकल गया अभी हम लोग का ए क्यूब, देखो ए क्यूब चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, सेवन ए चाहिए। देखो अब जो डाटा है उस डाटा को फिल करो, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। देखो क्या हमको निकालना है, ए क्यूब माइनस सिक्स ए स्क्वायर प्लस सेवन ए प्लस टू आई। हम लेकर के चले हैं एल एच एस वा, लेकर के चले हैं एल एच एस को, लेकर के चले हम लोग एल एच एस को लेकर के चले हैं। ए क्यूब डाटा चाहिए, ए क्यूब डाटा हम लोग को यही मिल गया, तो ए क्यूब की जगह पर हु बहु छापो, इक्कीस बारह चौंतीस, इक्कीस बारह चौंतीस, जीरो आठ जीरो, जीरो आठ जीरो, चौंतीस तेईस पचपन, चौंतीस तेईस पचपन लिख देंगे, चौंतीस तेईस पचपन, माइनस में सिक्स ए स्क्वायर, सिक्स दिए ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के डाटा कितना है, फाइव टू एट, फिर जीरो फोर जीरो, फिर कितना है, एट फाइव और थर्टीन है, लिख दिए, प्लस में सेवन ए चाहिए, ए का मान यहाँ से उठा लो वन जीरो टू, और क्या होगा, हाँ जीरो टू जीरो, और यहाँ से भाई टू वन और थ्री, यही ना होगा, दिख रहा है। अब आगे की जो क्रियाक्रम में चालू करिए, जोड़ घटाओ गुणा भाग यही है। देखो क्या करने जा रहे हैं, देखो इसको छाप लो, इक्कीस बारह चौंतीस, जीरो आठ जीरो, चौंतीस तेईस पचपन लिख लिए, माइनस, देखो भाई देखो यहाँ सिक्स ले मल्टीप्लाई, हर एक एलिमेंट में गुणा करेंगे, छः पाँच तीस, छः दूनी के बारह, आठ छक अड़तालीस, ये भी जीरो होगा, छः चौ के चौबीस होगा, ये भी जीरो हो जाएगा, आठ छक अड़तालीस होगा, छः पाँच तीस होगा, और तेरह छके तेरह पाँच पैंसठ, तेरह छक अठहत्तर, सेवेंटी एट होगा, ठीक ठीक है। देखो प्लस में सेवन आई है, देखो सेवन से गुणा करेंगे सेवन होगा, ये सेवन जीरो हो जाएगा, ये सात दूनी की चौदह, या जीरो होगा, सात दूनी की चौदह जीरो, सात दूनी की चौदह सात होगा, सात या इक्कीस आएगा, नो डाउट। कहीं दिक्कत परेशानी दुख दर्द होगा तो बोलिएगा। देखो यहाँ से क्या होगा, एगो स्टेप और छोड़े हैं, जगह के कमी था। देखो ये टू आई भी करना है, सेवन ए कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, अब यहाँ पर देखो टू आई करना है, तो ये छूट रहा है, तो यहाँ जोड़ने लीजिए टू आई प्लस में। देखो थोड़ा कोशिश करिएगा, बोर्ड छोटा है, थोड़ा गरीबी हालत है,
देखो यहां 2y लिख लेते हैं, 2y दिख रहा है ना सभी को, ये 3/3 है तो हम भी 3/3 लिख लेते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख लिए। यहां भी प्लस कर लो, गुणा कर लो, 2 है 0 0, इसमें करेंगे तो ये 0, ये 2 और ये भी 0, इसमें करेंगे तो 0 0 और 2 बनेगा, यही बनेगा, समझे। अब आगे की ये क्रियाक्रम करो, देखो 21 में से 30 घटेगा माइनस में 7, क्या बचेगा माइनस में 7, ठीक, कहीं दिक्कत? ओहो देखो 21 में से 30 घटेगा माइनस में 9, 12 से 12 घटाएंगे 0, 34 से 48 घटा दो तो घटाएंगे तो 6 8 6 14 बचेगा, माइनस के अंदर बचेगा ये माइनस में 14, क्योंकि क्या कर रहे हैं 34 से 48 घटा रहे हैं, 0 में से 30 घटाओ माइनस में 30, क्या आएगा माइनस में 30, 0 में 30 कैसे, 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 8 में से 24 घटाएंगे माइनस में 16 होगा, 0 में से 0 घटाएंगे 0 होगा, 34 से 48 घटाओ, 34 से 48 घटाएंगे तो माइनस में 14 आएगा, 23 से 30 घटाओ माइनस में 7 आएगा, 55 से 78 घटाओ तो 55 से 78 घटाएंगे तो माइनस में 23 बचेगा, क्या बचेगा माइनस में बचेगा तो 23 ही बचेगा। देखो प्लस में ये क्या है, ये क्या है, देखो इसको जोड़ लेते हैं, है दोनों को जोड़ लेते, 7 और 2 क्या होगा 9, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 0 14, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस 2 28, 0 14 7 21 2 के 42, 21 2 23 होगा, 42 जोड़ गुणा कर दिए, क्या बात है दिमाग का हमारा। देखो 9 प्लस 9, लेकिन ये माइनस में 9 प्लस में 9 0, 0 प्लस 0 0, माइनस में 14 प्लस प्लस में 14 0, 0 प्लस 0 0, 14 प्लस, देखो यहाँ 14 2 16 9 होगा, यहाँ 16 लिख देंगे हम, गुणा करके लिख रहे हैं, माइनस में 16 प्लस में 16 0, 17 माइनस में 7 प्लस में 7 0, यह भी 0 यह भी 0 यह भी 0, देखो तो यही ना RHS में लाना था हम लोग का 0 मैट्रिक्स, यही प्रूफ करना था, यह भी हमारा क्या होगा प्रूफ हो गया, ये समझे। जो जो डाटा दिया था वे डाटा सभी को निकाले और निकाल करके यहाँ जोड़े, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी पर नोट कर ले। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, ये हम लोग को कंडीशन दे रखा है और कंडीशन देने के बाद बोला है कि के का मान निकाले, यहाँ पर किसका मान फाइंड करने के लिए बोला है, के का मान। तो देखो जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन में ए स्क्वायर चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर करने के मतलब ए को 2 बार गुणा करेंगे, 4 माइनस 2, यही ना है, मिला लो एक बार क्वेश्चन। देखो यहां से हम लोग को ए स्क्वायर निकल के आने वाला, देखो 3 गुणे 3 9 प्लस माइनस 2 गुणे 4 माइनस में 8, तो 9 माइनस में 8 होगा, 4 गुणे 3 12, ये क्या होगा माइनस में 8। अब दूसर का स्तंभ से करते हैं, 3 गुणे माइनस 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस में 4, देखो 4 दूनी की 8 माइनस 8, ये क्या हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, मिलाते चलिएगा आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप, 9 में से 8 घटेगा 1, 12 में से 8 घटेगा 4, -6 -4, देखो -6 प्लस में 4 माइनस में 2, यहाँ भी क्या होगा -4, ये हम लोग को क्या निकला ए स्क्वायर का मान निकला। पुट कर दो, पुट कर दो, क्या है देखो क्या डाटा दिया है, ए स्क्वायर बराबर के ए प्लस में 2 बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान क्या है देखो तो 1 माइनस 2 4 माइनस 4, 1 माइनस 2 4 माइनस 4 बराबर के, ए दिया है, ए हमारा क्या दिया है
थ्री माइनस टू फोर और माइनस टू यही ने दिया है, प्लस में टू आई दिया है, आई भी दे दिया है 1001। देख वन माइनस टू फोर माइनस फोर यही ना है बराबर, देखो गुणा करेंगे तो होगा थ्री के, गुणा करेंगे तो माइनस में टू के, गुणा करेंगे तो आएगा फोर के, गुणा करेंगे तो आएगा माइनस टू के, यही ना होगा प्लस में टू, 2 0 1 टू, ये गुणा कर दिए टू। देखो यहां से क्या होगा, वन माइनस टू फोर और माइनस फोर बराबर, देखो थ्री के में 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 के प्लस 2, 4 के में 1 से 0 होगा, यहाँ 4 के में अगर हम लोग 0 से गुणा करेंगे, देखो ये 3 यहाँ देखो माइनस में 2 आई है, यहाँ माइनस में 2 होगा, यहाँ भी माइनस में क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ भी क्या होगा 3 के माइनस 2 आ जाएगा, 4 के माइनस 0 के मतलब 4 के ही होगा, माइनस में 2 के माइनस 0 के मतलब यही होगा, माइनस में 2 के माइनस में 2 हो जाएगा। अब देखो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को बराबर करो, के का मान निकलेगा, देखो अगर हम पहला पंक्ति पहला स्तंभ पहला पंक्ति पहला स्तंभ को बराबर करते हैं, 1 बराबर 3 के माइनस 2, तो यहाँ होगा 3 के माइनस 2, माइनस टू के इधर लाएंगे, 1 प्लस 2 बराबर में आएगा 3 के, तो यहाँ से 3 के बराबर 3 कट करके के कमान क्या आया 1 आया, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। लेकिन आपके अगर मन है कि हम इसको बराबर कर लें इसको इसको, तो भाई मेरे बराबर कर सकते 4 बराबर 4 के, ये अभी 4 4 कट के 1 बराबर के, यानी के बराबर 1 यहाँ से आया कि नहीं आया, यहाँ से भी आंसर, अगर मन करेगा हम इसको बराबर करके हम अपना आंसर निकाल लें, इसको भी बराबर करेंगे तो के का मान क्या आएगा 1 ही आएगा, समझे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाएगा, आज हम लोग इस वीडियो को इतना ही तक लास्ट करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना न भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।